नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतुशासनम नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्यात्मने सालोकानाम तुलोकानाम यद्विद्या दर्पणायते। पंडित श्री टोटामल जी ने ये आठवां अधिकार इस लक्ष्य से लिखा है कि जिनागम में से वीतरागता ग्रहण करना, छल ग्रहण मत करना, कभी गुण। अरे वीतरागी परमेश्वर में तो गुण ही गुण हैं, इसलिए वहां तो कोई बात नहीं। उससे नीचे जो छद्मस्थ जीव हैं, भले वे मुनिराज ही क्यों न हो, कर्म के उदय से होने वाले जो औदयिक भाव हैं, वे अनुकरण करने योग्य नहीं है। ज्ञानी का ज्ञान ग्रहण करना, राग ग्रहण मत करना। मोह तो होता ही नहीं है। ज्ञानी का ज्ञान ग्रहण करना, राग ग्रहण नहीं करना। नंबर दो, ज्ञानमय भाव ग्रहण करना, अज्ञानमय भाव उदयिक भाव जनित वे ग्रहण नहीं करना। बताओ प्रथमान युग के प्रसंग से अरे भरत चक्रवर्ती का वैराग्य ग्रहण करना, भरत चक्रवर्ती का भाई पर चक्र चला दिया था, उनके इतना वैभव था, उनकी इतनी रानियां थी, राग ग्रहण नहीं करना। एक प्रवृत्ति हमारी बहुत छिंद्रान्वेषण की रहती है, दोष जल्दी ग्रहण करते हैं। वे भी तो ऐसा करते हैं, भैया विचार करो, ये करते हैं शब्द कैसे निकाल दिया, कोई ज्ञानी रागादिक भाव को भला नहीं जानते, परिग्रह को भला नहीं जानते। कोई ज्ञानी भले अविरत दशा में हो लेकिन राग को भला नहीं जानते, परिग्रह को भला नहीं जानते, भोगों को भला नहीं जानते, देह को भला नहीं जानते, नहीं जानते कोई भी ज्ञान। अब देह है तो है, क्या करें बता, और भला ही नहीं जानते। इतना ही नहीं, परमार्थ से देखें तो परद्रव्य को बुरा भी नहीं जानते, अपने रागादिक भाव को बुरा जानते। परमार्थ से देखें तो वे रागादिक भाव को बुरा जानते हैं, परद्रव्य को बुरा भी नहीं जानते।
अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है। इसकी हमने ही भी लगा करके बताया था, ही लगा करके क्या, अपने परिणामों से ही अपना भला बुरा होता है, पर द्रव्य से अपना भला बुरा नहीं होता। कोई निंदा करे हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा, कोई उपसर्ग करे हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा, कोई हमसे बहुत द्वेष रखे कोई बुरा नहीं होगा हमारा, हमारे द्वेष से हमारा बुरा होता है। कोई हमसे कितना ही मोह करे तो भी बुरा नहीं होगा, हमारे मोह से हमारा बुरा होता है। अरे ज्ञानियों से भी गुरुओं से भी अज्ञानी प्रायः मोह करते हैं, ये अपने भगवान है, ये अपनी वेदी है, ये अपना मंदिर है, अपना अपने का अर्थ नहीं समझा। आगम में भी अपना कहा है, लेकिन अपना का अर्थ क्या है, अपने स्वरूप को समझने के लिए है, अपना भला करने के लिए है, अपने दोष छोड़ने के लिए है। अपने ये अपना घर है, बताया था पहले, याद है तुम्हें, अपना घर है माने साधर्मी जनों की सेवा करने के लिए है। भाई चलो अपना घर तो है, परेशान क्यों, आप चले जाओ, वो अपना घर है, हम फोन कर देते यार। अपना पना काय के लिए है, हाँ ये मोहात्मा का अपना पना नहीं है, अधिकार के लिए अपना तो नहीं है, कर्तव्य के लिए अपना। अज्ञानी जीव मोह के मोही जीव अपने कर्तव्य के लिए नहीं, अपने अधिकार के लिए अपना मानते। कभी कभी कह भी देते अपना अधिकार, अपना अधिकार है, हमारा भी अधिकार नहीं है। अरे अधिकार नहीं है कौन कहता है, बिल्कुल नहीं है तुम्हारा अधिकार। सुनो, यदि कर्तव्य को नहीं जानते तो पिताजी की जायदाद पर पुत्र का अधिकार है कि नहीं है, अगर पिता को पिता समझे तो, और पिता को अगर पिता ना समझे, उनकी धर्म ध्यान में सहायक न होवे, उनकी प्रतिष्ठा को न बढ़ाए, उनके नाम को लजाए और उल्टे काम करे, और फिर कहे हमारा क्या अधिकार नहीं है, के बिल्कुल अधिकार नहीं। मोही और ज्ञानियों में ये अंतर है, अधिकार के लिए तो हमारा है और कर्तव्य के लिए तुम्हारा है। सेवा कोई और कर जाए और लाभ हमें मिल जाए, मंदिर की संभाल हमें में, चाहे कोई करे, भाई हमें टेम नहीं है, हमें इतनी बुद्धि नहीं है, और अधिकार के नहीं, क्यों साहब हमारा अधिकार नहीं है, व्यवस्था हमको तुरंत मिले, चटाई हमको नहीं, हमको क्यों नहीं मिली, चौकी हमको क्यों नहीं मिली, ये सामग्री हमको क्यों नहीं मिली, फलाने की हमको क्यों नहीं मिली, हम जब आए तब खुला मिलना चाहिए। अधिकार के लिए तुम अपना कहते हो और कर्तव्य के लिए कुछ होश नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर है, अधिकार के लिए अपना तो नहीं, सबका है भाई, हमारा अकेले का नहीं, लेकिन कर्तव्य के लिए हमारा है, हम करेंगे, हमारा सौभाग्य, हमारे पिताजी हम सेवा करेंगे। अब चार भाई हैं, सबको करना चाहिए, अरे सबकी सब जाने, हमें क्या लेना देना, सबकी सब जाने, ये उनकी सोच है। नहीं, अधिकार के लिए हमारे छह बराबर बांट दो हमको,
और कर्तव्य के लिए अब कहा हम ही नहीं ठेका ले लो। ये मोह की भाषा है, ये मान की भाषा है, ये स्वार्थ की भाषा है। समझ में आया ना? तो कोई ज्ञानियों को परमार्थ से देखें तो पर द्रव्य में अपनत्व तो नहीं होता। व्यवहार नय से भी देखें तो अधिकार रूप अपनत्व तो नहीं है। अधिकार रूप कर्तव्य नहीं, अधिकार कुछ भी नहीं। कभी कोई वाक्य पढ़ा है, भगवंतों के पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, भक्ति मांगना, ज्ञान मत मांगना, सामग्री मत मांगना, भोगों की कामना मत करना, और यही किया है हमारे ज्ञानियों ने, विद्वानों ने भी। बुद्ध जा चहूं मोहे, बोलो बुद्ध जा चहूं मोहे, भक्ति भाव भाव दीजिए। हे भगवान, हमारी भक्ति हमें तो हमारे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे, हमें नहीं चाहिए पैसा वैसा। अरे भक्ति जब बनी है तो पैसा कहां जा रहा हो? इस लोग से नहीं, ये भीतर का छल भी नहीं है। अब समझो हम कहां कहां जा रहे हैं? क्या अधिकार ये पढ़ोगे अनियो? क्या पढ़ोगे अधिकार? वो हमने पढ़ लिया। ऐसे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते थे हम दोपहर में, कहा था मोह भैया, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, ये तो हम जानते हैं। अरे ये ही तो नहीं जानते। सुनो एक बहुत बढ़िया बात बता, खुशखबरी सुना, तुम भगवान आत्मा हो, बस हंस करके छोड़ दे दे। अरे इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी बताओ? लगता नहीं है, खुशी नहीं आती। ठीक है हंस दे, वैसे ऊपर ऊपर नेक देर के लिए। सुनो ए तुम्हारे लिए दिलाए एक किसमिस बढ़िया। बोलो मैंने भोगों की बांछा वा, कोई ज्ञानी बोलो, क्रम से बोलो, वर्तमान योग के आधार से बोलो, कोई भी ज्ञानी पर द्रव्य से अपना भला बुरा नहीं मानते जी। कोई भी ज्ञानी पर द्रव्य से अपना भला बुरा नहीं मानते। नास्ती करो, इधर से करो, घुमाओ चरण योग। जो परद्रव्य से भला बुरा मानते हैं वे ज्ञानी नहीं हो सकते, हैं भी नहीं और हो भी नहीं पाएंगे परद्रव्य से जब तक भला बुरा मानते रहेंगे। आचार्य उमा स्वामी, आचार्य अमृतचंद स्वामी, तत्वार्थ सिद्धानं सम्यक दर्शनम लिखा है। समझ में आया? आश्रव तत्व का भी यथार्थ सिद्धांत होना चाहिए, संबर का भी यथार्थ सिद्धांत होना चाहिए, और इन चार तत्वों के यथार्थ सिद्धांत के बिना नौवें अधिकार में टोटोमल जी लिखा चार लक्षणों का समन्वय बोलना। आपा पर का सिद्धांत भी आभास मात्र है, आत्म सिद्धांत भी आभास मात्र है नहीं।
ये पराया है जो ये नहीं जानता, उसको ये भी नहीं मालूम ये मेरा है, और जिसको ये मेरा है ये जानता होगा तो उस पर को पराया जानता होगा। बिल्कुल निश्चित बात। परिस्त्री को परिस्त्री न जानने वाला जी सीलवान कैसे हो सकता है? बोलो, अपनी स्त्री को अपनी स्त्री जाने, और परिस्त्री को भी अगर अपनी जानेगा तो सीलवान कैसे होगा? बोलो है? पर स्त्री को हम अपनी स्त्री को अपनी स्त्री जानते, उसमें मगन रहते। अरे वो तो ठीक है, वो तो पाप भाव हो गया, लेकिन तू परिस्त्री को भी अगर अपनी जानता है तो महापाप हो गया कि नहीं हो गया? अनुवृत्त महाव्रत के प्रसंगों में ये अंतर बताया कि नहीं बताया? मुनिराज तो स्त्री मात्र के साथ में निष्प्रही है, स्त्री मात्र से निष्प्रही है, और श्रावक हो पर स्त्री से निष्प्रही है, विरक्त है। पर द्रव्य को भी अपने द्रव्य को अपना मानना, और पर द्रव्य को भी अपना मानता है, बताओ साहूकार कैसे हो सकता है? पर द्रव्य को भी अपना मानता हो वो साहूकार कैसे होगा? चोर होगा वो तो। ये आठवां अधिकार समझ में आया? फिर बाकी दोहरा लो, मूल विषय काय के लिए लिखा कि जिनागम में छल ग्रहण मत कर लेना। इतनी हल्की बात मत समझना कि कोई शब्द अर्थ की चूक हो, शब्द की चूक हो, अलंकार की चूक हो, अरे वो तो बहुत हल्की बात है। सही पूछो तो उसमें से अपना पक्ष ग्रहण मत करने, आगम में लिखा है, आपने कहा था, यही कहा था तुमसे। हम ये पूछते हैं स्वाध्याय छूटता है तो तुमको तकलीफ होती है, और सेवा छूटती है तो कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। जाओ चलिए जैसे कहते, कोई बात नहीं, फिर अपने आ गए। मैंने कुछ तकलीफ ही नहीं लगती, चलिए बढ़िया। हरी री प्रभु, इन भगवंतों को पाकर के ये भावना मत माना कि हमको धन वैभव मान पद प्रतिष्ठा भोग संयोग मिले। अरे हमें मोक्ष मिले ये भी मत सोचना, हमें भगवान आपकी भक्ति मिली है। अब हो भव भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहूं, मैं भी जल्दी स्वामी बन जाऊं। अरे और का जल्दी से बनते हैं, अब हम ही करते, हमने इसलिए हमने सोचा ये सब भी सीखे इसलिए हमने छोड़ दिया। बढ़िया बात, सबको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है सबको। तो मैंने छल ग्रहण करने के, देखो कैसे छल ग्रहण कर दीजिए, चार से नमूने तो यही दिए ना। विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए मुनि पद को छोड़ करके भी वामन का बेस बना करके, वामन अंगुल, और जाकर के बलि से याचना की और फिर उपसर्ग दूर किया। टोटमल जी ने आगे क्या लिखा है, सो इस छल से अपने पद की मर्यादा छोड़ करके कार्य करना उचित नहीं है। ये भीतर में देखो तकलीफ होती है। देखो भोजन आदि को भला मानता है तो तपस्या को कष्ट रूप मानता है,
तुमने उसने एक वाक्य कहा था, कार्य नहीं हो पाता तो खेद भी नहीं होता। यही तो भूल है, आज ये काम नहीं हो पाया। हम ये कहते हैं ये तो सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं की और मुख सुमार की बातें हैं। पहले लड़के को मान ले नौकरी लगाई, कागज दुकान पे, घर पे, ऐसे ये संस्थान तो होते नहीं सरकारी इस तरह के, मालूम भी क्या करे। अब देखो, अब लड़का है, गलती करेगा, जो करेगा निकारियो नहीं, लगो रहन दियो। माने हमारे हमसे सेवा छूटती है, भक्ति छूटती है, हमको कोई तकलीफ नहीं। स्वाध्याय में गलती या अरे क्या स्वाध्याय सुनते, भागो यहां से, गलती हो गई, ये तकलीफ है, बाद में की कोई तकलीफ नहीं। वो हम भूल गए थे, वो हमें ध्यान नहीं रहा। हर भूले नारायण न भूले से हिसाब करते हो, अपने स्वार्थ की बातें तुम्हें हमेशा याद रहती हैं और आत्महित याद नहीं रहता। छोटमल जी कहते हैं पद्धति बुद्धि से, इस छल से औरों को धर्म मार्ग में अपनी पद की मर्यादा विरुद्ध कार्य करना योग्य नहीं है। दूसरा दृष्टांत क्या दिया, एक ग्वाला था जंगल में जा रहा था, मुनराज बैठे, सर्दी का समय, बेचारा अपना चादर एक ओढ़े सोच रहा, अरे इतनी ठंड में ये बेचारे कैसे रहेंगे। तो ला करके अब कुछ नहीं दिखा उसको, लकड़ी लेकर के और थोड़ी सी हीट दे दी, गर्मी लगा दी, तपा दिया। टोटरमल जी ने क्या लिखा, इस छल से ऐसे कार्य अपन को नहीं करना है। परिचय सहन करने योग्य होते हैं, परिचय सहन करने दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बहुत ठंड है, बीमार हो गए, बुखार हो गए तो डर रहने दो, वो तो परिचय सहन करना चाहिए, तुम्हें सहन करना चाहिए, तुम सहन करो। हाँ, छल ग्रहण मत कर लेना वहां। क्षुधा परिचय सहन करना चाहिए, अरे क्षुधा परिचय उन्हें सहन करना चाहिए, तुम्हें तो विधि मिलाना चाहिए, तुम्हें तो भक्ति से आहार दान करना चाहिए। नहीं, उसे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा तो ये बस काम है बस। ये छल ग्रही सोता और हट ग्रही सोता जिनोपदेश के पात्र नहीं है। अब पात्र नहीं है इसका अर्थ क्या है, कोई निकाल नहीं देगा, जा हटो यहां से, तुम्हारी जीवन भर समझ में कुछ नहीं आएगा, जहां के तहां बने रहोगे, नीचे गिरते जाओगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। छल ग्रहण करने वाला है, हमेशा ये बात रखना, गुण ग्रहण का भाव रहे। साधक दशा में, परमात्मा दशा में तो दोष ही है ही नहीं। परमात्मा दशा कैसी है, भक्तामर में से स्तोत्र में से बोलो, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणे रसेशये त्वं संसृतो निर्वकाशतया मुनीशे दोषे रूपात्। अब बताओ कैसी है परमात्मा दशा, समस्त दोषों से रहित है और समस्त गुणों से, अनंत गुणों से संपन्न है, पूर्ण है। इसलिए वहां तो तुम क्या दोष ग्रहण करोगे, लेकिन वहां भी दोष ग्रहण करते, क्या करें, दोष वस्तु में नहीं है, दोष दृष्टि में है। अगर हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, इन भगवान में कछु है नहीं, वहां वो है चमत्कारी क्षेत्र, गए हम साहब वहां, रोज जाएंगे या नहीं, दर्शन भी करेंगे,
नियम है हमारा, हर चौदस को जाते, हम हर महीने जाते, फलानी तारीख में जाते। अरे जाते सो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अभिप्राय को सम्यक रखो, विशुद्धि के लिए जाओ। क्या मतलब? घर से निकल गए और धर्म ध्यान करते रहे वहां आनंद से, घर की झंझटों से बचे, इस भाव से जाओ मने नहीं जाने का। लेकिन कुछ कामनाएं लेकर के जाओ और यहां नहीं करो तो क्या मतलब है? दोषों की, गुणों की प्रशंसा तो करे, लेकिन स्वयं गुण वैसे गुण स्वयं में न प्रकट करे तो कोई मतलब नहीं है। प्रशंसा करनी थी, केवल पुण्य हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो परमात्मा दशा में तो गुण ही गुण है, दोष है ही नहीं। लेकिन छद्मस्त दशा में, साधक दशा में ज्ञानी जीवों को भी गुण और दोष युगपत बरते हैं। दूसरी भाषा बोलो, गुण दोष की ना बोल करके, राग और विराग युगपत बरते हैं। हाँ, उल्टा मत ले लेना, मोह और सम्यक युगपत बरते हैं, अज्ञान और ज्ञान एक साथ बरते हैं। ऐसे नहीं होता, ज्ञान है अज्ञान नहीं, सम्यक तो है मोह नहीं। लेकिन राग और विराग युगपत बरते हैं, सो उनके जीवन में भी विराग ग्रहण करना, वैराग ग्रहण करना, राग ग्रहण मत करना। जे तो लेटे हैं, अरे जे लेटे सो जे ग्रहण मत करना, इतने बड़े हो तो जाओ पहले है? तुम्हारी उम्र क्या है और जिनकी उम्र क्या है ये तो बताओ। ये भी तो लेट आते हैं, अरे रे प्रभु उनकी परिस्थिति देखो, तुम अपनी परिस्थिति देखो, तुम उस परिस्थिति में होते तो आते ही नहीं, लेट आने की बात तो बहुत दूर है। उस विपरीत परिस्थिति में भी कैसे निकल करके आ जाते गुण करना। एक बात यहां लिखी है, कोई जीव लौकिक प्रयोजन से भी अनंत आदि की भक्ति करते हैं तो भी उनकी निंदा नहीं प्रशंसा की। क्यों? कि लौकिक प्रयोजन के वशीभूत होकर के भी, हा हा, वितरागी देव सास गुरु को छोड़कर दूसरी जगह नहीं। अरे विचार करो, क्यों? हम आपसे पूछते हैं, अपने माता पिता से कोई याचना करने वाला बालक भिखारी कहलाता है? माता पिता से कुछ न कहे और इतने उतने मांगत फिरे वो भिखारी है। घर में भी न मांगे ये तो उत्तम बात है। अपने घर में भी न मांगे, माँ से भी न मांगे, जब माँ ही कहे बेटा भोजन कर ले तो भोजन करे, जल्दी लाओ हमें नमक लाओ ये लाओ, घर में भी नहीं मांगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत बेचारे संतोष प्रकृति के हैं, थाली पे जो आ गया अपने भोजन कर लिया, कभी कुछ मांगते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं। घर में कह रहे, लेकिन घर में तो न कहे आज हमको फलानी चीज बनाओ, आज हमको फलानी चीज खिलाओ या अमुक चीज लाओ, और बाजार में खाता फिरे, दूसरे के घर मांगता फिरे, कहो तुम्हारे घर का बनो, वो भिखारी है, वो पापी है। अगर तेरा मांगना नहीं रुका था तो घर में कह देता ना, यहां कहने कही। अगर तेरी खाने की इच्छा नहीं रुकी थी तो घर में कहता ना, हमसे क्यों नहीं की बाजार में खा रहा जा करके। छल ग्रहण मत करना। लौकिक प्रयोजन से अनंत आदि की भक्ति भी करते हैं, वे पाप बांधते हैं, हैं? क्यों? प्रयोजन लौकिक का रहा, लेकिन सर्वथा पाप बांधते ऐसा मत समझ लेना। छुड़ाने के अभिप्राय से ये कथन किया गया है।
लेकिन लौकिक प्रयोजन से भी अरहंतादि की ही भक्ति करते हैं, इधर उधर नहीं भटकते। प्रशंसनी का भैया तुम्हें लौकिक प्रयोजन की भी अभिलाषा है तो लौकिक प्रयोजन पुण्य से इसे दोगे, तुम यहीं आया आओ, क्या चाहिए बोलो। इस प्रसंग में हमने क्या कहा था, देखो जो अन्यत्र मिलेगा वो तो यहां बिना मांगे मिलेगा, और जो यहां मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। जो दुनिया में मांगने पर मिलेगा पुण्योदय हो तो, और पुण्योदय नहीं हो तो यहां भी नहीं मिलेगा, वहां भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोच लेना कि पुण्योदय नहीं है तो मिल जाएगा, और नहीं तो एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जिसकी कामना सब जगह पूरी होती हो, या जिस जगह सबकी कामना पूरी होती हो, बता। तुम्हारा कितना ही बहुत चमत्कारी क्षेत्र समझ लो, बहुत चमत्कारी जय जयकार दुनिया में हो रही, तमाम करोड़ों का खूब आ रहा, लेकिन सबकी कामना पूरी करने वाला एक भी क्षेत्र बता। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर हो, एकदम स्पेशलिस्ट हो, विदेश में प्रसिद्ध हो, सब जगह हो, लेकिन एक बताओ जो सब जहां सबको लाभ ही होता हो, नहीं होता। लाभ हानि होने की बात तो अपने उदय के अनुसार बनती है भाई, बड़ी बड़ी जगह लाभ ना हो, छोटी जगह लाभ हो जाए, बड़ी बड़ी दवाइयां काम ना करें और छोटी सी दवाई काम कर जाए, तीर्थंकर का उपदेश काम नहीं किया और मुन्नाज का उपदेश और सिंह की पर्याय में काम कर गया, समझ में आया ना। तो ये समझ लेना, अपने परिणामों से अपना भला बुरा होता है, तुम्हारे छल के परिणाम से क्या होगा, तुम्हारा बहुत बुरा होगा। एक लाइन पंडित जी ने सातवें अधिकार में लिखी, भरत आदि के उदाहरण से तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अगर यहां बुद्धिपूर्वक नहीं प्रवर्तेगा तो जहां प्रवर्तेगा वे बहुत कसाय गर्भित होंगे, बहुत पाप बनेगा। इसलिए अशुभोपयोग होता हुआ जाने, अशुभ में प्रवृत्ति होती हुई जाने, तो शुभोपयोग में प्रयत्न पूर्वक प्रवर्त होना। आलस्य आता हो चलो भक्ति करेंगे, चलो पाठ करेंगे, चलो सेवा करेंगे, चलो चर्चा करेंगे, बुद्धिपूर्वक प्रवर्तन। भोजन आदि की आसक्ति के को बचाने के लिए बुद्धिपूर्वक तपस्चरण करना, इसमें बहुत आसक्ति हो रही, इसी खाने में त्याग, हमारा 8 दिन का त्याग है, 15 दिन का त्याग है, आसक्ति को तोड़ने के लिए ध्यान रखना। आज त्याग है, आज हमने पुराने जमाने में देखा, मैं पुरानी पुरानी महिलाएं आदमी थे, कोई फल नया आया, कोई चीज नहीं आई, उन्हें आज नहीं खा रहे, आज का त्याग, कल से देखेंगे। इसे क्या होगा, ये इंद्रिय संयम है, इतनी देर रुके, बाजार से लिए आपने और घर ला करके धो करके बना करके खाए, और वहीं खाने लगे तो अरे इतनी देर इंद्रिय संयम हुआ, रासोपना हुआ है और उनका धोना हुआ था, पर वो सब हुआ है, वो तो हुआ ही है, लेकिन उतनी देर के लिए तुम्हारी इंद्रिय रुकी कि नहीं रुकी। छल ग्रहण मत करना, फिर ये इंचार्जिक पानी पीते हैं झरने का और उनका, लेकिन तुम अनछना मत पी लेना उसको, तुम तो छान करके काम, वो प्रकृति का छन्ना लगा है, लेकिन हम उन मुनिराजों के शिष्य हैं जो सोधे हुए भोजन को स्वयं भी सोधते। अब इनने सामने आंखों के सामने उसने सोध करके रखा है अंजलि पर, लेकिन तो भी तुमने अपना काम किया, हम अपना काम करें।
अरे हमारे लोक व्यवहार में भी होता है, बोलो आप करते हो कि नहीं? इन व्यापारियों से पूछो, गिने गिनाए को गिनते हो कि नहीं, बताओ क्यों? तुम्हारे सामने उसने गिन करके दिए और तुम फिर गिनते हो कि नहीं गिनते, बोलो? कभी रख भी लेते लापरवाही से, लेकिन वो लापरवाही ठीक नहीं है। गिने हुए को गिनते, जब आप गिनते हो तो आपको कोई कुछ नहीं लगता, अरे तुमने अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे। बोलो, स्वानुभव से प्रमाण किए हुए उपदेश को स्वानुभव से प्रमाण करते हैं या नहीं? बोलो, बताओ बताओ। अरे महाराज ने स्वानुभव से कहा तो महाराज का स्वानुभव महाराज के काम का है, हमें भी उस स्वानुभव से प्रमाण करना है कि नहीं? छल ग्रहण करने का मतलब समझ गए? स्वार्थी मत बनना, मिथ्या स्वार्थी कभी मत बनना। ये हमारी सम्यक तो विरुद्ध प्रवृत्ति है। अगर कार्य करने का अर्थ है तो कार्य छूटने का खेद भी हो। और आपको एक बात बताते, हम आपसे पूछते हैं, रुचि का कार्य अगर नहीं हो पाए तो खेद होता है कि नहीं होता? तो फिर जब वहां होता है तो धर्म कार्यों में खेद क्यों नहीं होता? हमें लगता ही नहीं है कुछ हमारा, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी कुछ नहीं। अरे रे, पैसा का नुकसान लगता है, लेकिन परिणामों का नुकसान नहीं लगता। तुम्हें पता नहीं है, एक एक कण दर्पण पर चढ़ता जाए, पूरा दर्पण थोड़े दिन में मलिन हो जाए, थोड़ी थोड़ी धूल जमती है, जो दिखाई नहीं दे वो फर्श का है, इतनी माटी एक एक अंगुल जम जाएगी। ऐसे तुम्हारा जीवन कहाँ रहेगा, कुछ पता नहीं है क्या होगा, बुद्धि कहाँ चली जाएगी? अगर बुद्धि से निर्णय धर्म कार्य में लगाना नहीं सीखोगे, बचना सीखोगे, तो ये बुद्धि तुम्हारी कुंठित हो जाएगी। ज्यादा चालाकी करोगे तो लोमड़ी बनोगे, लोमड़ी है चालाकी में प्रसिद्ध। बोलो, लोमड़ी बनना है? नहीं बनना तो फिर अब चालाकी छोड़ देना ही। चतुर बनो, चालाक नहीं, सरल बनो, भोले नहीं, दृढ़ बनो, ढीठ नहीं। सहनशील बनो, अधीर नहीं, उत्तेजित नहीं, सहनशील बनो, सहो, सहना सीखो। ये अधिकार इसलिए लिखा है, क्या? छल ग्रहण मत करना। हे भाई, अन्य स्थाने कृते पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, धर्म स्थाने कृते पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगह छल ग्रहण करेगा तो यहाँ छूटने का अवसर है, और यहीं छल ग्रहण करेगा कहाँ छूटेगा? आर्य धर्म कहाँ आएगा? कितना हमारा मिथ्यात, एकांत मिथ्यात कितना है? बहुत लोग आते भैया, क्या कि हम लाभ लेने आए, लाभ लेना माने प्रवचन सुनने को मिले दो तीन तो हमने समझ लिए लाभ। अरे लाभ, ये मंदिर की बैयावर्ती करना, ये भी तो लाभ है? नहीं, ये इसे हमें कोई मतलब, ये इनका काम है। क्यों भाई, क्या व्यवस्था है, आज क्यों नहीं हुआ? प्रवचन ही नहीं भाव, बस हो गया। आहार दान का लाभ, औषधि दान का लाभ, दान का लाभ भी तो लाभ है। क्यों, अगर हम आए और हमने इस मंदिर में इस कार्य में 100 रुपया लगाए तो ये भी तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, जी लाभ नहीं। अगर हमने इसके संबंध में चिंतन किया तो ये भी तो लाभ है?
नहीं वो कुछ नहीं, बढ़िया दर्शन हो गए और बढ़िया अपने प्रवचन हो गए, बढ़िया लाभ, बहुत लाभ, खूब बढ़िया लाभ, और हमको कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना कल्याण करना है, हमें क्या करना है, इन व्यवस्थाओं में कौन उलझे। अरे रे प्रभु, व्यवस्थाओं में तुझे उलझन दिखाई देती है, ये तुम्हारी एकांत मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है। भगवत भावदीपिका में पढ़ लेना, हमने बताया था उस दिन, अनेकांतमय ब्रह्मचर्य, धर्म अनेकांतमय है, वस्तु का स्वभाव ही अनेकांतमय है। अनेकात्मक एकम, अनंत धर्मात्म, अनंत धर्मणस्तत्वम, क्या कहा, अनंत धर्मणस्तत्वम। और अमृतचंद स्वामी ने ही आगे पीछे परिशिष्ट अधिकार से आसपास सब अनेकांतमय ये लिखा, माने एक पर्याय भी अनेकांतमय ही कहने का मतलब, अकेली नहीं हो सकती। तो महापुरुषों के जीवन में कर्म उदय उस प्रकार का आ गया, चाहे वो धर्मानुराग के रूप में हो, अथवा कभी विषयानुराग के रूप में हो, कभी क्रोधादि कषाय के रूप में हो, तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, गुण ग्रहण करना चाहिए। माने उनको देखो, उस कषाय के प्रसंग में भी वेद विज्ञान कैसा था, जैसे विष्णु कुमार का बताओ, विष्णु कुमार ने अपना मुनिपद छोड़ करके सासों मुंदाजों की रक्षा की, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बाद में उस पर उसका प्रायश्चित लेकर के पुनर्दीक्षा भी तो ग्रहण करी, पुनर्दीक्षा ग्रहण करी कि नहीं होता, और आराधना करके मोक्ष गए कि नहीं गए ये बता, नहीं वो कछु नहीं। देखो साहब, विष्णु कुमार ने कैसा किया तो हम ऐसा कर रहे, विष्णु कुमार के पांव की धूल भी तो नहीं हो तुम, कैसी बातें करते, नकल करते हो। दृष्टांत बताया था लौकिक का, एक छोटा बच्चा लेकर के छोटी अपनी साइकिल और सड़क पर हाईवे पर निकलने लगा, किनारे पर उसका घर था, माने कहा बेटा कहाँ जाता है, बोले जरा साइकिल से घूम आ, बोले नहीं सड़क पर ट्रैफिक बहुत है वहां मत जा, बोले पापा भी तो जाते, पापा बन तो जा पहले, पापा जाते, पापा को बचना आता है, तू दब जाएगा वहां। ज्ञानियों को कसाय होती है लेकिन भेद ज्ञान करना आता है, मिटाना भी आता है, तुम गांठ बांध के बैठ जाओगे जिंदगी भर के लिए, मतलब की बात एक दफे में जिंदगी भर के लिए सुन लोगे, और वैसी बात दस दस बार कहोगे तो कहोगे हमारी समझ में ही नहीं आती। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, तब इस जिनागम के अभ्यास के पात्र बनोगे, पात्र बिना वस्तु ठहरती नहीं है, पात्र बिना वस्तु नहीं ठहरती, और उतना ही मिलेगा आपको कुएं में से जल जितना आपका पात्र है। तुम ईर्ष्या करो, इनको इतना भर दिया और हमें इतना दिया है, तुम्हारा लोटा इतना था, इनका कल था इतना था, कुछ नहीं हो सकता। ये ईर्ष्या करने वाले मालूम है, अपने महावीर भगवान के संबोधन में बस इतना ही कह रहे, इंद्रभूति गौतम आए और जय हो जय हो जय भगवान जय भगवान, आए थे काय के लिए, चलो बात बात करेंगे हैं, अरे समझने के लिए नहीं आए थे, लेकिन आए सो देखा, ओहो धन्य, मान गल गया और जाकर के जय जय ध्वनि के साथ भीतर प्रविष्ट हुए, भगवंतों की श्रद्धा करके, ओ मार्ग तो ये है, भगवान तो ये है, स्वरूप तो ये है, कहां हम चक्कर में पड़े थे, ज्ञान तो ये है, और बस चार ज्ञान के धारक गड़दर बन गए, बाणी खेलने लगी। अब वो दूसरा बैठा था ना, वो क्या नाम था उसका,
है, मस्करी क्यों बताओ? हम इतने दिन के बैठे, हमका मूर्ख है तो मूर्ख नहीं तो को? जब तुम खुद ही कह रहे हमका मूर्ख है। कई बार ऐसे लोग सोचते हम इतने मूर्ख थोड़े ही हैं, हमने कहा बिल्कुल ज्यादा मूर्ख हो तुम, अपनी सेकी बखारना चाहते हो अपनी पाप, इतने नहीं ज्यादा मूर्ख हो तुम्हें, हो सके कुछ? अगर ज्ञानी होते, समझदार होते तो ये सोचते अल्पसुतम सुतवतम पर्यासम, तो मकर काय को रहे हो? उनका मूर्ख है तो मूर्ख नहीं तो को हो तुम? अभिमान किसको होता है, क्रोध किसको होता है, उत्तेजना किसको होती है, स्वार्थ बुद्धि किसको होती है बोलो? नहीं कहो ज्ञानियों को होती है, नहीं कहो कहो तुम तो नहीं सोचो। पात्र के बिना वस्तु हमें नहीं मिलेगी, बरसात बरसेगी लेकिन अगर तुम्हारा बर्तन सीधा नहीं है तो तुम्हारे बर्तन में पानी नहीं भराया, तुम्हारे खेत की पाड़ नहीं है तो तुम्हारे खेत में से पानी सब बह जाएगा, पड़ोसी के में क्या होगा, पड़ोसी की व्यवस्था है। फिर तुम कहो ये पड़ोसी के में भरेगो हमारे में बहेगो, तो पाड़ बनाओ पहले, अपनी पात्रता लाओ। आज तक देवसास गुरु के योग बनने पर भी हमको जो धर्म लाभ नहीं हुआ, सुख शांति नहीं मिली, हमारी मन में निश्चिंतता निर्भयता प्रसन्नता श्रद्धान एक दृढ़ता नहीं आई, ये हमारी पात्रता की न्यूनता है और कोई कारण नहीं है, न पंचम काल कारण है और न कोई कर्म कारण है, केवल हमारी पात्रता नहीं। विचारना इस प्रकार से ग्रंथों का स्वाध्याय करना, क्या गुण ग्रहण करते हुए, और गुण शब्द का प्रयोग समय सार जी में लिखा है बोलो, जैसे सर्प का सर्प वैसे ही विष को नहीं छोड़ता और विष को दूर करने में समर्थ है, दूध और गुड़ को पीते हुए भी विष को नहीं छोड़ता, शास्त्र पठन उसको गुण नहीं करता, आया एक गाथा में शास्त्र पठन उसको गुण नहीं करता, क्यों? गुण ग्रहण, गुण का क्या मतलब हुआ पढ़ लेना, टीका में लिखा है शास्त्र पढ़ने का गुण वीतरागता, शास्त्र तात्पर्यम वीतरागता, सूत्र तात्पर्यम वीतरागता। अगर हमारा विषयानुराग भी नहीं घटा, बढ़ता हुआ विषयानुराग है तो समझ लेना चाहिए हमारा गुण स्थान नीचे ही है, ऊपर नहीं हो सकता। खूब सूक्ष्मता से विचार करो है, अगर हमें हमारे कार्य के होने का हर्ष नहीं है और नहीं होने का खेद भी नहीं है, आस्वाद्य नहीं हो पाओ तो नहीं हो पाओ, इसका मतलब रुचि नहीं, आज ये काम नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, हो कैसे नहीं पाया, ये हमारी भूल है, खेद होना चाहिए। गाड़ी निकल जाए तो खेद नहीं होगा तुम्हें? नहीं वो खेद नहीं है। भोजन में भोजनालय का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स होता और आप देर में गए और भोजन बंद, खत्म हो गया पूरा, भोजनालय बंद, अब खेद नहीं होगा, खेद नहीं होगा, नहीं बस हमें को मतलब नहीं। सोचो जगह जगह ऐसी होती है, मेन गेट बंद जाओ बाहर तो खेद नहीं होगा, पढ़ने वाले विद्यार्थी को पढ़ाई नहीं, अगर क्लास में से निकाल बाहर कर दो तो खेद नहीं आएगा उसको, डॉक्टर नहीं मिल पाए तो खेद नहीं होगा, जहां जाओ जिस काम के लिए अधिकारी न मिले खेद नहीं होगा, नहीं वहां तो होगा तो यहां क्यों नहीं होगा, यहां क्यों नहीं होगा, क्यों कैसे नहीं? महत्ता हमारी समझ में नहीं आई है, सूक्ष्मता से समझना भाई ग्रंथों को, ये निर्ग्रंथ गुरुओं के ग्रंथ हैं,
मोह की ग्रंथि वालों को समझ में नहीं आएंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक।